आज पश्चिम बंगाल में पांचवें चरण की वोटिंग के दौरान ममता बनर्जी के एक मंत्री विवादों में आ गए। मंत्री फरहाद हकीम पर आरोप है कि उन्होंने पाकिस्तानी मीडिया से बात करते हुए अपने विधानसभा क्षेत्र को मिनी पाकिस्तान बता दिया। इसी बयान पर बीजेपी और सीपीएम दोनों ने तृणमूल कांग्रेस की घेराबंदी की। एन चुनावी बेला पर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार के कैबिनेट मंत्री फरहाद हकीम के एक बयान पर विवाद खड़ा हो गया। ये विवाद हुआ पाकिस्तान के अखबार डॉन न्यूज में छपी रिपोर्ट पर, जिसके मुताबिक ममता बनर्जी सरकार के शहरी विकास मंत्री फरहाद हकीम उर्फ बॉबी हकीम ने अपने विधानसभा क्षेत्र गार्डन रीच इलाके को मिनी पाकिस्तान बताया है। हकीम ने पाकिस्तानी पत्रकार को दिए इंटरव्यू में गार्डन रीच इलाके को मिनी पाकिस्तान के तौर पर पेश कर दिखाया। पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से खबर सामने आने के बाद अब हकीम के इस बयान पर बंगाल में सियासी तूफान खड़ा हो गया है। डॉन जो न्यूज़पेपर उसमें आज निकला है और रिपोर्टर जो है मेलिना हमीद सिद्दीकी, उन्होंने बॉबी हकीम जो फिराद हकीम जो मिनिस्टर हैं उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में उनके साथ दौरा कर रही थी, तो बॉबी हकीम ने कहा कि आइए मैं आपको मिनी पाकिस्तान घुमाता हूं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी गार्डन रीच के अंदर। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। तृणमूल कांग्रेस इज परसुइंग सच अ पॉलिटिक्स एंड दिस इज अ रिफ्लेक्शन ऑन इट, इज नॉट अ स्लिप ऑफ टंग एंड दिस इज अ फर्स्ट, दिस इज एन इंसल्ट टू खिदरपुर एंड द पीपल, द सिटीजंस ऑफ इंडिया हु आर लॉयल सिटीजंस ऑफ इंडिया। फॉर द सेक ऑफ वोट यू आर ट्राइंग टू पोलराइज। गार्डन रीच का इलाका कोलकाता के नजदीक 24 परगना जिले में पड़ता है। आज यहां वोट डाले गए। ममता सरकार के मंत्री फरहाद हकीम ने भी वोट डाला। जब उनसे मिनी पाकिस्तान वाले उनके बयान के बारे में पूछा गया तो वो जवाब देने को तैयार नहीं हुए और ना ही उन्होंने अपने बयान का खंडन किया। बीजेपी इसको लेके कम्युनल पॉलिटिक्स कर रहा, हम कम्युनल पॉलिटिक्स का जवाब नहीं देते। इस इट अगेंस्ट द पॉलिसी ऑफ माय कंट्री। प्लीज, हमको प्रूफ करना पड़ता है बार बार, ये ठीक नहीं। ये बीजेपी करते हैं, हम नहीं करेंगे। एक मिनिस्टर इतना शेमफुल स्टेटमेंट कैसे दे सकते हैं? नहीं, कोई 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 शेम कंडेम क्यों नहीं कर रहे हैं? हम क्यों नहीं कर रहे? भाई, हम आपको जवाब नहीं देंगे। बीजेपी ने हकीम के इस बयान के जरिए ममता बनर्जी की घेराबंदी की कोशिश की। बीजेपी के बंगाल प्रभारी ने मीडिया के सामने अपने मोबाइल फोन पर डॉन अखबार में छपा हकीम का वो बयान भी दिखाया।